सर प्लीज आस्क हिम हाउ टू डेवलप स्ट्रीट फाइट सेल्फ डिफेंस माइंडसेट टू सेव आवर लाइफ। हाँ ये किसी ने पूछा है हार्डी ने कि जी सेल्फ डिफेंस के लिए कैसे तैयार करें अपने मार्शल आर्ट्स में। बिल्कुल सर, सेल्फ डिफेंस क्या होता है सर? एक तो होता है आपका ताकत की लड़ाई, है ना, एक होता है आपका टेक्निक, और दूसरा हाँ होता है आपका स्पीड। हाँ ये तीनों चीज जब मिलते हैं ना, तब हाँ आपकी एक अलग सेल्फ डिफेंस होता है। आपके अंदर सब कुछ है, स्पीड नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। चलो आपने, चलो स्पीड भी है लेकिन ताकत नहीं है, तो भी कोई फायदा नहीं, है ना। तो आपका दूसरा है टेक्निक, स्पीड भी है ताकत भी है लेकिन टेक्निक है ही नहीं आपके पास। ये तीनों चीज जब मिलेंगे तब आपका सेल्फ, आप एक अलग टाइप के फाइटर योद्धा होंगे, अनआर्म कॉम्बैट हो चाहे आपको बॉक्सिंग हो। ये क्या है सर, फाइटिंग एक ही है सर, बॉक्सिंग पंचिंग मारने का तरीका है एक ही है, थोड़ा सा मूवमेंट में फर्क है और जो टच होता है वो अलग फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। आप मार्शल आर्ट ले लो, कराटे ले लीजिए, है ना, आप कुछ भी टाइकांडो ले लीजिए या अनआर्म कॉम्बैट पीकेटी तिस्साकाली ले लीजिए, सब एक ही तरीका है। ये तीनों चीज मिलना बहुत जरूरी है अगर आपको कोई चीज सीखना है। आपके अंदर स्पीड भी चाहिए, चटकी जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, आपके अंदर ताकत भी चाहिए और टेक्निक भी चाहिए। जब तो आप ये ये तीनों चीज तभी आएंगे सर जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोग ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा। मेरे को जब मैं यूनिट में था ये चीज का भी कीड़ा काटता था मुझे बहुत, सही बताऊं मैं सर, बहुत मेरे अंदर वो था। एक आदमी, जब मैं यूनिट में बताता हूँ कहानी, यूनिट में जब मैं गया, मैं चलते चलते भी अलग अलग एक्शन करता था। चलते चलते ही मैं कहीं भी ड्यूटी जाता, खाना खाने जाता, तो एक हवलदार साहब थे, महाराष्ट्र के है वो लोगों से बातें करते थे, ये लड़का पागल तो नहीं है, ठीक अच्छा है सर। तो जब वो 2-3 महीने बाद जब इंटरेक्ट हुआ, सामने टीम में आया, टीम में बात हुई, मिले, बोला यार मीन तेरे बारे में ना मैं सोचता था तू पागल तो नहीं है। ऐसे ऐसे चलते चलते हम पागलों की तरह करता था। आज भी अगर कोई मेरे यूनिट वाला पूछना, बोला क्या करता है वो चलते चलते, ठीक है। एक क्या था ना, जुनून था, कोई भी चीज सीखना है तो उसके पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ जाता था मैं। तो चलते चलते कहीं भी जाते ना, अलग टाइप का एक्शन, ये चलते ऐसे ऐसे करता था, तो वो क्या करते थे अपने दूसरे सर से बात करती, यार ये लड़का पागल तो नहीं है। तो मैं शुरू शुरू में आया था, तो टीम में आते हैं जब तो टेन बोल, तो उसके बाद बताया सर ने कि मीन यार मैं तेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचता था। मैंने, नहीं सर वो तो एक क्या है मसल मेमोरी बनाने के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ क्या ये। बात है, क्या ये और ये तीन जो एस वन आपने जो बताई ना, स्पीड, स्किल और स्ट्रेंथ, तो समझ लो भाई ये तीन चीजें हैं। यदि आपको अनआर्म कॉम्बैट और स्ट्रीट फाइट के लिए सीखना है, आपकी स्पीड होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए।